पूरा डन करिए यस। सो फर्स्ट जो है हम ये साइड का फैट है इसको रिड्यूस करेंगे, ये रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सो काफ़ी बड़ा है ये आपको, एंड सामने ये साइड में देखिए, यस साइड में देखिए, ओके। सो ये जो है देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फैट है, सो इसको हम काफ़ी बहुत कर देंगे, ठीक है। सामने ये मेन क्या है, ये पकड़िए हाथ से, ये बहुत है ये। सो ये भी काफ़ी है, सो ये इस तरह से है ये, एंड ये हम कम्प्लीटली इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। सो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, मेन जो है ये हम 360 डिग्री यानी चारों तरफ से रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अभी रहा सवाल जो आपका क्वेश्चन था कि स्किन कितनी लैक्स होगी, लूज कितनी होगी। देखिए क्या रहता है कि अभी जो है ये अभी क्या है, लटक रही है, लटक रही है अभी, लैक्स है। सो जब ये लाइपोसक्शन होगा सो पहले से इम्प्रूव होगी, ठीक है। सो पहले से जो सैगिनेस है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, पहले से इम्प्रूव होगी, लेकिन आपकी स्किन एकदम फ्लैट नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इतनी लैक्स है ये। अब ये कितनी ऊपर तक जाएगी आपकी स्किन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो देखिए स्किन की क्वालिटी, देखिए आपने वेट गेन किया है, अभी आपका 100 kg है, कहाँ से कितना था मिनिमम, कितना था आपका पहले? 86 था पहले, हमेशा 86 रहा है, हाँ 70 to 80। सो 70 से 80 हुआ है तो स्किन क्या होता है, स्ट्रेच होती है, सो स्किन एक्सपेंड हुई है। तो ये देखिए स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, यानी कि जो है बेसिकली इसकी इलास्टिसिटी जो है वो डैमेज हो गई, ठीक है। इसके बाद जब आपका वेट कम भी हुआ है, कभी 100 पहुंचा है, फिर उसके बाद नीचे कम भी आया, कितना कम आया, 80 तक आया, 80 तक, ओके। सो इस में जो 70 से 100, 100 से फिर 80, सो इसमें जो है स्किन डैमेज हो जाती है, ठीक है। सो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो हैम्पर होती है, ठीक है। लेकिन अब हम इस तरह से इसको लाइपोसक्शन करेंगे कि हम, हमारा गोल ये रहेगा कि हम इसको मैक्सिमम रिट्रैक्ट हो, इस तरह से हम ये प्लान करेंगे, ठीक है। सो इसमें हम जो है अभी काफ़ी ह्यूज आपको फैट डिपॉजिट है, ये पूरा लटक रहा हुआ है, ये साइड का पूरा दिख रहा है, एंड इस तरह से हम इसको रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। चेस्ट फैट भी है वो आप नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे इस एरिया में कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, ओके। तो आपने क्या क्या ट्राई किया इसको कम करने के लिए? जिम जॉइन किए, टैबलेट लिया, सब कुछ किया, आयुर्वेदिक भी किया। कितना ट्राई किया आपने? 6 महीने तक किया मैंने, जिम भी करीबन 1 साल तक की मैंने, लेकिन जितना रिजल्ट उतना रिजल्ट मिला नहीं मुझे। मेरे दोस्त ने यहाँ लेपोसक्शन किया हुआ था पहले, चेस्ट का किया था, ओके, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया मुझे इधर ऐसे जाके लेपोसक्शन कर दो, 100% रिजल्ट मिलेगा, ओके। फिर आपने हमारा वीडियोस वगैरह देखा? देखा आपका, नेट पे मैंने पहले सर्च मारा, पहले कंफर्म किया, बाद में आपको मैं अपॉइंटमेंट लिया, ओके ओके, ठीक है। सो आपने काफी ट्राई किया, लास्ट आपने जो है ये लाइपोसक्शन सोचा है, ओके। तो जिम वगैरह किया, तो क्यों आपका वेट कम नहीं होगा, वेट क्यों नहीं कम हो पाया था? थोड़ा खाने पे कंट्रोल नहीं था मेरा, खाना तो जितना कम करना था उतना मैंने किया नहीं, जिम वाले बोलो जितना खाना चाहिए उतना नहीं खा पाया। अभी आप कंट्रोल करोगे? अभी कंट्रोल करोगे, ये मेरा लास्ट स्टेज है मेरा। सही, काफी। अभी आपको दिक्कत क्या लगती है, मतलब जैसे कि क्या चीज? कमर में और घुटनों में थोड़ा दर्द होने लगा अभी से, और मेरी उम्र नहीं है कि अभी से ये दर्द शुरू हो जाए, 35 उम्र चल रहा है अभी, ओके। तो इसलिए आपको जो है दिखने में भी अच्छा नहीं लगता? दिखने में अच्छा नहीं, दोस्तों में जाने के लिए बहुत शर्माती है, शर्माती है, ओके। और कौन सी जगह से आए आप? अलीबाग, अलीबाग से। सो इस तरह से हम जो है ये मेगा लाइपोसक्शन ऑफ एब्डोमेन करने वाले हैं, जिसमें मैसिव जो भी दिखाया हमने लोअर एब्डोमेन, इसको टारगेट करेंगे ये लव हैंडल्स, और ये कंप्लीट हम यहाँ से 360 डिग्री लाइपोसक्शन करेंगे, ठीक है। सो एक डिसेंट रिजल्ट देंगे, उसके बाद आप मेंटेन करिए, एंड जो है आपका मेंटेन करेंगे आप, उसके बाद भी जो है तो ये तो हम एकदम रिड्यूस हो जाएगा। सो जितना स्किन के नीचे फैट है वो रिड्यूस हो जाएगा, काफ़ी हद तक आपका जो है ये जो नीचे हैंग कर रहा है, लटक रहा है, वो चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद विद इन 3 months में वेट लॉस भी होता है, विद इन 3 months में जो है इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको मेंटेन करें, ठीक है। सो ये प्रोसीजर हम अंडर बाय वेजर लाइपोसक्शन करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू। सो जस्ट अभी हमने ये ट्यूमसन सॉल्यूशन इन्फिल्ट्रेट किया है, एंड दिस इज द वेजर इमल्सिफिकेशन स्टेप,
देखिए इस तरह से जो है फैट मल्टीफाई हो जाता है एंड फिर हम इजीली इसको एस्पिरेट कर पाते हैं। सो ये हमारा सेकंड स्टेप है। सो इस साइड में जो लव हैंडल्स रहते हैं ये रेजिस्टेंट और स्टबन फैट है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं। ये फैट हम रिमूव कर पा रहे हैं इस तरह से। ये फैट साइड का ये देखिए यहाँ से ये एरिया हम टारगेट कर रहे हैं। इस तरह का जो है ये फैट एस्पिरेट हो रहा है। तो ये लोअर बैक फ्लैंक्स और लव हैंडल जिसको बोलते हैं वो हम पहले बैक साइड से कर रहे हैं। इस तरह से हमने ये बैक साइड का लाइपोसक्शन किया लोअर बैक एंड ये हमने का रिजल्ट। सो पहले यहाँ पे ऐसे इस तरह से बल्ज था बाहर की तरफ, अभी जो है ये एकदम इस तरह से प्रॉपर शेप में आ गया। सो मोर देन 2 लीटर हमने फैट 2.2 लीटर फैट हमने बैक साइड से रिमूव किया। तो ये सेकेंड स्टेप इज द इमल्सिफिकेशन। अभी देखिए इस तरह से ये एब्डोमेन है, काफ़ी ह्यूज फैट डिपॉजिट है जिसको हम रिड्यूस करेंगे एंड अभी हम लोअर एब्डोमेन में ये रेजर कर रहे हैं। जो ये साउंड सुनाई दे रहा है दैट इज अ रेजर एंड ये फैट को एकदम लिक्विफाई कर देगा, प्रॉपरली इमल्सिफाई कर देगा जिससे हम ईजिली फैट को रिमूव कर पाएंगे। तो जो सुपरफिशियल फैट रिमूव होता है दैट हेल्प्स इन स्किन न्यूट्रैक्शन एज वेल। सो जो काफ़ी लोग पूछते हैं कि स्किन लूज तो नहीं होगा, सो स्किन बेसिकली धीरे धीरे रिट्रैक्ट ही होता है। सो ये लोअर एब्डोमेन इस तरह से हम ये फैट रिमूव कर रहे हैं। सो प्योर येलो कलर फैट ऑलरेडी ये मेल्टेड हो चुका है। तो ये जितना भी बल जाए लोअर में दैट विल रिड्यूस द साइड वन रिड्यूस एंड द अपर एब्डोमेन। सो इस तरह से फैट एक्युमुलेट हो रहा है, ये देखिए पाइप के थ्रू जा रहा है। साइड फैट वी आर रिमूविंग। सो ये बल्ब धीरे धीरे जैसे जैसे फैट निकलेगा वैसे वैसे बल्ब कम होगा। वंडरफुल रिजल्ट, इस तरह से ये हमने एब्डोमिनल लाइपोसक्शन कंप्लीट किया, काफ़ी हद तक हमने इसको रिड्यूस कर दिया है। ये वांटेबल अपीयरेंस। पहले काफ़ी बल्किनेस था सो ये रिड्यूस किया है एंड अभी पहले से काफ़ी बेटर दिख रहा है। सो ये साइड का लोअर बैक का एंड ये एंटायर एब्डोमेन का मेगा लाइपोसेक्शन किया। टोटल हमने ये
2.6 and another 5.2 liters, so around 7 liter plus हमने रिव्यू किया है एंड